शंखं चक्रं जलौकां दधतमृतं घटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मं स्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसनं मौलिमम्बोज्जनेत्रं कालाम्बोद्योज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसश्च चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तव निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निलीलम्। नमस्कार सभी को, गुड इवनिंग टू ऑल। आज के इस टीचर्स डे के अवसर पर आप सभी का मैं वैद्यशिल्पा यर्मे पाटिल बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ इस मंच पर उपस्थित है आदरणीय गुरुवर वैद्य अनंत धर्माधिकारी सर, जो पुणे महाराष्ट्र से है। और आई थिंक कि आयुर्वेद का कोई ऐसा विद्यार्थी नहीं होगा जो कि धर्माधिकारी सर को नहीं जानता होगा। धर्माधिकारी सर और चरक चिकित्सा और चरक संहिता, ये एक अद्भुत समीकरण है जिसका हमने कई बार अनुभव किया है। और मैंने खुद टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठ में पीएचडी प्रोग्राम के दौरान भी सर के वात विकार को लेकर एवं वात दोष को लेकर काफी सारे लेक्चर्स सुने हैं। और इसी प्रेरणा के साथ आज का ये एक कार्यक्रम हमने यहाँ पर बहुत ही कम समय में आयोजित किया है। और मैं सर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने बहुत ही शॉर्ट नोटिस पर मेरा जो आमंत्रण था उसको स्वीकार किया। आज हम लोग जो सर से सुनेंगे, एक अलग तरीके से सुनने वाले हैं। एक इंटरव्यू मेथड से हम सर से आज बात करेंगे। आमतौर पर जैसे कि सेशन होता है, और ये हमारा डिस्कशन सेशन डेली इसी समय पर चलता है स्त्री रोग परिचर्चा के नाम से। इस स्त्री रोग परिचर्चा के अंतर्गत ही हमने आज चरक चिकित्सा का जो वैशिष्ट्य है इसी के ऊपर सर से हम एक इंटरव्यू के रूप में यहाँ पर बातचीत करेंगे। आप सभी से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी, आपके जो भी कुछ प्रश्न है चैट बॉक्स में आप इसको जरूर रखिए, ताकि हम एक एक प्रश्न रूपी संवाद हम यहाँ पर सर के साथ करेंगे। तो सबसे पहले मैं, जैसे कि सर चरक संहिता को बहुत ही अद्भुत तरीके से उसकी टीका सटीक वाचन करते हैं, और आज मुझे लगता है तमाम कोविड पीरियड से काफी सारे मंच पर प्लेटफॉर्म पर चरक चिकित्सा या चरक संहिता का पठन एवं विवेचन किया जाता है। तो मेरा पहला जो यहाँ पे सवाल रहेगा सर से कि हमें सही तरीके से किस प्रकार से संहिता का पठन करना चाहिए, इसकी जो एक मेथोडोलॉजी है। जैसे हम लोग देखते हैं कि अलग अलग तरीके से इसको पढ़ा जाता है, कोई टीका के साथ पढ़ता है और कोई मतलब अलग अलग तरीके से विवेचित किया जाता है। तो सर आप अपने अनुभव के अनुसार इसको आप थोड़ा मार्गदर्शन करें तो हमारे लिए बहुत ही। यस सर, चरक संहिता या किसी भी ग्रंथ का अध्ययन करना है तो इसके लिए कुछ चीजें आवश्यक है। उसमें पहली चीज यह है कि आपको संस्कृत का ग्रामर यानी शब्द रूपावली और धातु रूपावली, इसका सम्यक परिचय होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि याद ही होने चाहिए, लेकिन परिचय होना चाहिए। परिचय इस अर्थ में कि नाम, विशेषण, सर्वनाम, इनके प्रत्यय क्या होते हैं, धातुओं के वर्तमानकालीन, भूतकालीन, आत्मनेपदी, विद्यर्थ, अज्ञार्थ, ये क्या होते हैं, ये इसके प्रत्यय कैसे होते हैं, उस आधार पर आप ग्रंथ पढ़ते समय झट से समझ सकते कि ये क्रियापद है। अब ये क्रियापद है समझ गया तो आपका साधारण तौर पर इस क्रियापद का अर्थ
सामान्य तौर पर समझता है, और विशेष तौर पर समझना है तो आपको डिक्शनरी या शब्दकोश इनकी सहायता लेनी पड़ेगी, तो उसमें आपको उसका उचित अर्थ दिया जाता है। और कई बार एक धातु के अनेक अर्थ होते हैं, एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, तो उसमें आपको ये देखना पड़ता है कि मुझे यहाँ पर कौन सा अर्थ अभिप्रेत है। जैसे सुरसा, ये नाम द्रव्य गुण में कई बार आता है, ये तुलसी के लिए भी आता है, रसना के लिए भी आता है, शतावरी के लिए भी आता है। अब मुझे यहाँ क्या चाहिए, ये गण कौन सा है, ये अधिकरण कौन सा है, दोष कौन सा है, इस आधार पर मुझे निर्णय करना पड़ता है कि यहाँ रसना चाहिए, यहाँ सुरसा चाहिए। इस प्रकार प्रत्यक्ष एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, तो उन अर्थों को आपको चयन करने की क्षमता आनी चाहिए। डिक्शनरी में 10 अर्थ देते होते, उसपे विकरण लगा तो और अर्थ बदलता है, इसलिए ये सब देखकर आपको अध्ययन करना पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा व्याकरण का ज्ञान आवश्यक है। तीसरा मुद्दा कि आपको कि इतना ज्ञान कम से कम होना चाहिए संस्कृत का कि कौन सा शब्द किसका विशेषण बन सकता है। विशेषण रखते हैं, विशेषण की और विशेष्य की विभक्ति एक ही होती है, तो वो ये देखकर आपको ये लगाना पड़ता है कि ये विशेषण इसका है, ये विशेषण इसका है, ऐसे आपको निर्णय करना पड़ता है। इसलिए थोड़ा सा संस्कृत का ज्ञान होना अनिवार्य है, नहीं तो बहुत गड़बड़ होती है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ कितनी गड़बड़ करते हैं हम लोग, यदि व्याकरण ठीक नहीं समझ पाए तो, शास्त्र समझ नहीं पाए तो। देखिए एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, मैंने कहा, तो हम वाग्भट पढ़ते हैं, वाग्भट में लिखा है चयो वृद्धि स्वधाम नेव, या धामन शब्द का अर्थ, प्रचलित अर्थ धामन का स्थान यह है। यहां पर धामन का अर्थ स्थान एक हमें ज्ञात है, इसके अनेक अर्थ है वो हमें ज्ञात नहीं है, तो इसका एक अर्थ तेज है, एक अर्थ वीर्य है, एक अर्थ गुण है। तो यहाँ पर ये वाक्य है, इस वाक्य का अर्थ चयो वृद्धि स्वधाम नेव का अर्थ अपने द्रव्यों में और गुणों में वृद्धि होती है, ये समझ में आना चाहिए। तो स्थान में जाना तो आमाशय में, यानी स्पेशपा का संचय आमाशय में होगा, नहीं, दोष एक जगह कहीं रुकते ही नहीं है, वो चक्रमणिशील है, ये समझकर अर्थ को लगाना पड़ता है। ऐसे अनेक चीजें हैं, समझ आएगा, इसलिए इतना उदाहरण काफी है। दूसरा, इसके बाद हमें यदि चरक समझना है या सुश्रुत समझना है तो दोनों शास्त्रों का समग्र अध्ययन अपने जीवन काल में कहीं ना कहीं पूरा करना है। मैं ये नहीं कहूंगा कि शिक्षा काल में पूरा हो जाएगा, जो करेंगे उनका हो जाएगा, जो उनके जिनकी उनकी प्रवृत्ति है वो कर लेंगे, लेकिन सामान्य व्यक्ति नहीं कर पाएगा। तो ये आपको आपके जीवन में इसका अभ्यास करना है ताकि हम सरक समग्र चरक पढ़ पाए, समझ ले। क्यों? इसलिए कि जब तक समग्र आप ये नहीं समझते तब तक आपको आयुर्वेद समझ नहीं सकते आप। यदि आप कहेंगे कि मैं निदान का प्राध्यापक हूं, मैं केवल निदान पढ़ूंगा, कुछ नहीं समझ पाओगे। मैं चिकित्सा का हूं तो मैं केवल चिकित्सा पढ़ूंगा, कुछ नहीं समझ पाओगे। समग्र अध्याय पूरे अध्याय होने चाहिए। और चक्रपाणी की या डल्लन की या आयुर्वेद रसायन का जो है, ये जहां आवश्यक है वहीं पर पढ़नी है, जहां संशय है, जहां विस्तार करना है, प्रतिपादन स्पष्ट होना है, वहां पर टीका पढ़नी चाहिए। इस प्रकार से आप चरक का अध्ययन करोगे तो उस बहुत ही सफलता से कर पाओगे। दूसरा,
हाँ सर, कार्श्यम एवं वरम स्थौल्या, इसके बारे में थोड़ा सा, और ये खास करके महिलाओं में हम स्थूलता एवं पुरुषता का विचार कैसे करें, इसके ऊपर अगर आप प्रकाश डालें तो। कार्श्यम एवं वरम स्थौल्या, कार्श्यम ये कार्श्य शब्द की प्रथमा विभक्ति है, ये कर्ता है। वरम यानी श्रेष्ठ, ये उसका विशेषण है। कार्श्यम एवं वरम, कार्श्य श्रेष्ठ है। स्थौल्यात ये पंचमी है, इसका अर्थ है तुलना में, दोनों की तुलना करते हो तो कार्श्य श्रेष्ठ है। परम स्थौल्यात नहीं स्थूलस्य भेषजम, नहीं शब्द का अर्थ है स्थौल्य का चिकित्सा कठिन है और अल्प है, या नहीं का अर्थ बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है, है चिकित्सा है, लोग करते हैं, मैं भी करता हूं, स्थौल्य कम होता है, लेकिन स्थौल्य की संप्रप्ति समझना जरूरी है। हम लोग क्या करते हैं, स्थौल्य आया कि स्थौल्य हर वटी मेदोग्निवटी वगैरह वगैरह शुरू करते हैं, यानी हम व्याधि के नाम के आधार पर द्रव्य चयन करते हैं। श्वास आया श्वास कुटर, कास आया कास कुटर, इस प्रकार हम करते हैं। ये आयुर्वेदीय पद्धति नहीं है। आयुर्वेदीय पद्धति में आपको प्रत्येक व्याधि के हेतु निकालने पड़ते हैं और इन हेतुओं के गुण समझने पड़ते हैं और उसके आधार पर दोष कौन से गुणों से बड़े हैं, या वात क्या वायु बलवान है, क्या पित्त बलवान है, या श्लेष्म बलवान है, और बलवान है तो किन किन गुणों से है। शीत गुण से है तो वायु भी हो सकता है, शीत गुण का आहार करता है तो पित्त भी क्षीण हो सकता है, शीत गुण का आहार विहार करता है तो श्लेष्म भी पड़ सकता है। इसलिए गुणों के आधार पर निर्णय करना है। द्रवक पान ज्यादा करते हो तो पित्त भी बढ़ेगा, श्लेष्म भी बढ़ेगा, रक्त भी रस भी बढ़ेगा, तो इस प्रकार शरीर का द्रवगुण बढ़ेगा। इस प्रकार आपको प्रत्येक हेतु के गुण का ध्यान होकर उसके आधार पर दोषों की अंशांश कल्पना प्रतिरुग्ण में भिन्न हो सकती है। स्थौल्य ही लिया आपने तो स्थौल्य में भी ये हेतु आपको निकालने पड़ेंगे और हेतु के आधार पर उसके विपरीत गुण के द्रव्यों का समूह का चयन करना पड़ता है। और इसके साथ साथ स्थौल्य के व्यक्ति में जो हेतु आपको मिलते हैं उन हेतुओं का त्याग करना अनिवार्य होता है। जैसे आपने चूल्हे पर पानी रखा है, वो उबल रहा है, उसको आपको ठंडा करना है और उसमें आप ठंडा पानी डालते जाओगे, बर्तन भर जाएगा लेकिन ठंडा नहीं होगा, क्यों, उसका कारण चल रहा है, अग्नि चल रहा है। वही आप अग्नि उतार दो 10 मिनट में पानी ठंडा हो जाएगा, नहीं तो आप कितना भी पानी डालते जाओ वो ठंडा नहीं होगा। उस प्रकार जब तक हेतु आप बनने करेंगे तब तक स्थौल्य कम नहीं होगा। अब रहा सवाल हेतु कौन होते हैं। हेतु उसको कहा जाता है जो आहार चेष्टा और आचार, आहार में आहार सभी द्रव चतुर चतुर्विध आहार द्रव के साथ पोष्य देह चोष्य पेय सब आ गए, पानी के साथ दूध के साथ सब आ गए, नारियल के पानी के साथ, इक्षुरस के साथ, कोल्ड ड्रिंक के साथ सभी आ गए,
और इसमें विहार, विहार में आप जितने भी भोजन छोड़कर अन्य कर्म करते हैं सब विहार में चलते हैं, दौड़ते हैं, काम करते हैं, सोते हैं, कूदते हैं, साइकिल चलाते हैं, घर में काम करते हैं, ये सब विहार है। और तीसरा है आचार, विचार, आचार। इसमें यह है कि आपकी मानसिकता क्या है, क्या आप सदा उदास रहते हो, क्या आप सदा ईर्ष्या करते हो, सदा गुस्सा करते हो, सदा भयभीत रहते हो, इसका भी परिणाम स्थौल्य पर होता है। इसका परिणाम स्थौल्य पे कैसे होता है बाद में बताऊंगा। इसलिए आहार, आचार और चेष्टा, इनका भी परीक्षण आपको सब व्यक्ति में करना पड़ेगा। अब ये निकालना कैसे है, तो उसकी पद्धति है। तो पद्धति ये है कि एक व्यक्ति सुबह उठने से लेकर दूसरे दिन सुबह उठने तक जो जो क्रियाएं करते हैं, आहार, आचार, चेष्टा, इनका अध्ययन करना आवश्यक है, पूछना प्रश्न परीक्षा से आवश्यक है। और इसके लिए वैद्य को थोड़ा सभी प्रदेशों का ज्ञान होना चाहिए। जैसे आप जहां भी रह रहे हो, जहां प्रैक्टिस कर रहे हो, वहां पर आने वाला रोगी हो सकता पंजाबी हो सकता कर्नाटकी हो सकता मलयाली हो सकता गुजराती हो सकता हिमाचल का हो, तो इन देशों में आहार की पद्धति क्या है, इनका ज्ञान होना चाहिए, ताकि आप प्रश्न पूछ पाएंगे, बड़ी सूक्ष्मता से पूछ पाएंगे। यदि आपको ये पता नहीं है तो आप ये प्रश्न नहीं पूछेंगे। जैसे उदाहरण के लिए बताता हूं, मैं गुजरात गया था, गुजरात में एक सोमनाथ के पास एक गांव है धनेश करके, उस एरिया को पूरे एरिया में मैं पेशेंट देखता हूं। तो वहां पर जाने के बाद मुझे पता लगा कि वहां की भोजन की पद्धति में एक विशेषता है, वो दूध गाय का या भैंस का बिना तपाए पीते हैं। दूसरा, वे लोग छाछ और दूध दोनों मंथन करके उसमें शक्कर डालकर वो पीते हैं, उसको पेद्रु कहते हैं। इसके गुण मालूम होने चाहिए, ये करते हैं ये भी मालूम होना चाहिए। यदि आप नहीं पूछेंगे तो नहीं बताएंगे कि हम पेद्रु पीते हैं करके। दूसरी बात, गुजरात में ही सुबह उठ के चाय के साथ भोजन करने की नाश्ता, हेवी नाश्ता करने की आदत है। सुबह चाय के साथ पकोड़े, वड़े, फाफड़ा, ये मालूम हो, ये आपको ज्ञान होना चाहिए। चित्रकूट में गया था, चित्रकूट में मैंने 3 दिन पेशेंट देखे। मैंने हर व्यक्ति को पहला प्रश्न पूछा, सुबह कितने बजे उठते हो? 6 बजे, 5 बजे, 4 बजे वो उठते हैं। फिर क्या करते हो? नाश्ता करते हैं। स्नान वान करके करते हो? हाँ, स्नान करके। और नाश्ता क्या करते हो? सबने उत्तर दिया, रात में भिगाया हुआ चना सुबह खाते हैं, बिना झोंक लगाए, बिना गर्म किए। अग्नि का विचार नहीं, मात्रा का विचार नहीं, व्यायाम कितना होता उसका विचार नहीं, ऋतु कौन सा इसका विचार नहीं, खा रहे। इसलिए आपको ये आवश्यक है स्थौल्य चिकित्सा में कि प्रति व्यक्ति प्रत्येक प्रति प्रांत में उसकी क्या पद्धतियां है, ये ज्ञान होना चाहिए। अब तीसरा प्रश्न आपके मन में आएगा, हेतु किसको कहेंगे? हेतु की सरल व्याख्या है, ग्रंथ में आपको सभी क्रियाओं का विधि दिया है। सुबह उठने का विधि दिया है,
शुभ धन का विजय दिया है, स्नान का विजय दिया है, अभ्यंग का दिया है, व्यायाम का दिया है, धूम्रपान का दिया है, तांबूल सेवन का दिया है, सोने का दिया है, जागने का दिया है, सभी विजय दिए हैं। इसके साथ साथ दुग्धपान का विजय दिया है, जलपान का विजय दिया है, भोजन का विजय दिया है, स्वाप का विजय दिया है, ऐसे हर अपने अपनी हर कृति का विजय दिया है, दिनचर्या दी है, ऋतुचर्या दी है। तो जो व्यक्ति स्थौल्य का व्यक्ति आपके सामने आता है, उसकी पूरी दिनचर्या में सुबह से लेकर दूसरे दिन सुबह उठने तक जितने भाव वो करता है, उन सब की नोंद करना, और ये विधि पूर्वक है या विधि विरहित है ये निश्चित करना। इसलिए ये आवश्यक है कि आपको सबकी विधि ज्ञात हो, भोजन का विधि ज्ञात हो, भोजन निर्माण का विधि ज्ञात हो, स्नान का विधि ज्ञात हो, ऋतुचर्या ज्ञात हो, घी सेवन का विधि ज्ञात हो, दुग्ध सेवन का विधि ज्ञात हो। ये सभी विधि आपको अच्छी तरह से ज्ञात होनी चाहिए, और मात्रा कितनी हो किसकी ये ज्ञात होना चाहिए। इस प्रकार विधि विरहित जो आहार है, विहार है, आचार है, वे सभी हेतु माने जाते हैं। प्रति व्यक्ति में हेतु भिन्न भिन्न होते हैं, कुछ मानसिक होते हैं, कुछ शारीरिक होते हैं, कुछ आहार्य होते हैं, कुछ चेष्टा स्वरूप होते हैं। इन सब में से, ये तीनों में से कोई ना कोई एक भाव या दो भाव, तीन भाव दोषों का प्रकोप करता है, या धातुओं को बढ़ाता है, या धातुओं को दुष्ट करता है। इसलिए आपकी पूरी दिनचर्या आपको उसकी परीक्षित करना है, और यह परीक्षित करना है लगभग जब से जीवन काल हुआ है, शुरू हुआ है, तब से करने हैं। क्योंकि अभी मैं राजस्थान के पेशेंट देख रहा हूं, तो राजस्थान और गुजरात, यहां पर घर घर में दूध पिया जाता है, वो भैंस का ही होता है। अब जिन्होंने बचपन में भैंस का दूध लगभग 10 साल तक पिया है, उसके बाद आगे भी पिया है, व्यवस्था माने के बाद भी पिया है, इनका अग्नि और श्रोतस दुष्ट होते हैं। आप कहेंगे ये तो बहुत पुराना है, बचपन से पी रहे हैं, अब तक दोष कहाँ रहेंगे? दोष अब उनके अणु बदलते रहते हैं, लेकिन नया नया दोष उत्पन्न होते जाता है, और ये श्रोतोरोध करते रहता है। जब ये श्रोतोरोध करता है या अग्निदुष्ट करता है, तो आप कुछ भी खाते हो तो वो परिणमन करता नहीं, स्थौल्य करता या तो कार्य करता है। इसलिए आपको इन सब का ध्यान होना चाहिए। तो विधियुक्त आहार, विधियुक्त विहार और विधियुक्त आचार जो नहीं है वो हेतु है, ये ध्यान में रखना है। तब इनको हेतु को निकाले बिना चिकित्सा करना कोई लाभदायक नहीं होगा। अब इसमें से इसके आधार पर आप फिर द्रव्यों का चयन करेंगे हेतु के गुणों के विपरीत। अब इसमें एक चीज हम भूल जाते हैं, वो ये है कि यदि अग्नि मंद है किसी भी कारण से, तो उत्पन्न होने वाला रस आम रस बनेगा, और ये आम रस शरीर में फैलते हुए मेद को ही बढ़ाता है। सुश्रुत 15 उसमें श्लोक है, रस निमित्तम स्थौल्यम आम एवं रस विस्तृप्तिम लभते सजतः मेद एव जनयति। यानी अजीर्ण भोजन, अध्यसन, अत्यसन, विषमासन, ये रुक्षासन, ये भी मेद वृद्धि करता है। इसलिए अध्यसन, अजीर्णासन,
विषमासन, समासन, विरुद्धासन, इनके भी परीक्षा करनी पड़ती है। तो ये सब विधि आहार विधि में आता है और ये करने के बाद आप इन हेतुओं को बंद करके यदि अजीर्ण जन्य है, अध्यक्षण जन्य है, विषमाशन जन्य है तो पहले पाचन करोगे, फिर अग्नि वृद्धि करोगे और फिर आप हेतु के विपरीत यदि पिच्छिल गुण का ज्यादा है तो आप परुष गुण का देंगे, यदि स्निग्ध गुण का ज्यादा है तो रुक्ष गुण का देंगे, यदि द्रव गुण का ज्यादा है तो द्रव शोषक तिक्त कटु उष्ण देंगे। इस प्रकार आपको द्रव्य का चयन करने हैं। अब ये आप द्रव्य का चयन दो पद्धति से कर सकते हैं। एक आप जिसमें ये आपके अपेक्षित द्रव्य है कटु तिक्त कषाय, उन ये द्रव्य ऐसा गण जिस द्रव्य में अधिक है आपको जितना चाहिए उतना है तो वो उस कल्प को आप चयन करेंगे, ये एक पद्धत। दूसरी पद्धत कि आपको कटु तिक्त कषाय देना है, बस आप चयन करो आपके प्रांत में जो मिलता है उनमें से एक लो, दो लो, तीन लो, जैसे नागर मोटा कहीं भी मिलता है, त्रिफला कहीं भी मिलता है, त्रिकटु कहीं भी मिलता है, आप इस कॉम्बिनेशन करो देश के आधार पर, ऋतु के आधार पर, काल के आधार पर दे दो, स्थौल ले जाएगा। हेतु बन करो, अग्नि दीप्त करो और अग्नि दीप्त के बाद आप इतने द्रव्य दो, 15 दिन में 9 किलो वेट कम होता है। इस प्रकार आप कर सकते हो। दूसरा आगे सर, एक ये इसी से रिलेटेड एक प्रश्न है कि स्थौल्य में काफी वैद्य, जैसे कि आजकल बहुत ही बड़ा प्रचलन है कि वेट लॉस को लेकर 8 दिन में 15 दिन में वेट लॉस प्रोग्राम दिए जाते हैं और एक वीक में 5-7 वेट लॉस करने का दावा किया जाता है, वहां पे वीडियोस टेस्टिमोनियल्स प्रस्तुत किए जाते हैं, तो क्या ये पॉसिबल है आयुर्वेद या जैसे आचार्य चरक या आपके सिद्धांत? यदि आप बहुत ही क्या कहेंगे, आप डाइटिंग करोगे और या प्लानिंग करके डाइट लोगे तो ये लोग करते हैं, लेकिन ये होने की ये औषध बंद करने के बाद दोबारा होता है। क्यों? उनका उद्देश्य वेट कम करना यही था, वो लक्षण कम करते हैं, संप्राप्ति भंग नहीं करते। संप्राप्ति क्या है? हेतु दोष, अग्नि की दुष्टि और दोषों की अवस्था, ये जब तक ठीक नहीं करते है तब तक एक बार वेट कम हो जाएगा लेकिन महीने भर में फिर बढ़ जाएगा। इसलिए आयुर्वेदिक वैद्य अच्छी तरह से कर सकता है और शीघ्रता से कर सकता है, 1-2 महीने में आपको अपेक्षित फल मिल जाता है, लेकिन हेतु बन करने हैं, हेतु के गुणों के विपरीत चिकित्सा करनी है। अजीर्ण है तो पाचन करना ही है और अजीर्ण के हेतु बंद करने ही है, अध्यसन अजीर्णासन ये बंद करने हैं, तब जाकर ये कर सकते हैं। बाहर जो करते होता है लेकिन उसमें पुनरावृत्ति है, सो आवर्तते पुनः, क्योंकि हेतु और अग्नि का विचार वो लोग करते नहीं। अगला। यस सर, बिल्कुल सही बात है। इसी से रिलेटेड एक और प्रश्न है कि मेदो रोग की संप्राप्ति में अग्नि वृद्धि बताई है, बट एग्जैक्टली संप्राप्ति कैसी होती है? ये अग्नि वृद्धि का अर्थ यह है, अग्नि वृद्धि के दो अर्थ होते हैं, एक व्यवहार में वास्तव में गलत है। अग्नि वृद्धि का अर्थ है परिणमन क्षमता की वृद्धि, जो आहार आपने लिया है वो गुरुतम हो, गुरुतर हो तो वो भी परिणत हो जाता है, उसका नाम तीक्ष्णाग्नि। परिणत होना ये अग्नि की क्राइटेरिया है। लोग क्या करते हैं, अग्नि का एक ये क्राइटेरिया छोड़ देते हैं और भूख लगती है बार बार ये क्राइटेरिया लेते हैं और ये गलत है। इस गलती के कारण बहुत से रोगी असफल बनते हैं और स्थौल्य में अग्नि बढ़ता है। इसका अर्थ ये है कि
भूख जल्दी जल्दी लगती है क्योंकि शोषण क्षमता बढ़ती है शरीर की। रस धातु शीघ्रता से शोषित हो जाता है क्योंकि शरीर में ऊष्मा बढ़ा हुआ है। मेदकी का आवरण से शरीर में ऊष्मा बढ़ा हुआ है, वो उस ऊष्मा से रस धातु शीघ्रता से शोषित किया जाता है। लेकिन पित्त के अथवा पाचक रसों की गुणों की वृद्धि नहीं होती है। नहीं होती मतलब जितना होना चाहिए उतना नहीं होती है, वो शरीर में शोषण हो जाते हैं उसके पहले ही, पूरा परिणमन होने के पहले ही। तो परिणमन और भूख इसमें अंतर है। तो यहाँ स्थौल्य में शोषण जल्दी होता है इसलिए बार बार भूख लगती है, और परिणमन समय होने के पहले आप खा लेते हो। परिणमन के पहले यदि आप खाते हो तो उससे त्रिदोष प्रकोप होता ही है, भले ही भूख लगती हो। भूख लगने के बाद भी यदि शरीर में परिणमन की प्रक्रिया चल रही है तो स्थौल्य बढ़ेगा और अमावस्थान बढ़ेगा। अगला बिल्कुल सर, जैसे कि वंध्यत्व के लिए, इनफर्टिलिटी के लिए बीज दोष या कई सारी विकृतियों का बीज दोष ये भी कारण माना है, तो बीज दोष के बारे में जैसे आपका कंसेप्ट क्या है? बीज दृष्टि या बीज दोष? बीज दृष्टि दोषों से होती है पहली चीज। बीज दृष्टि दोषों से होती है। अब जब बीज दृष्टि होती है तो गर्भस्थापना हो नहीं सकती, होती तो विकृत होती है, और ये बहुत ही बलवान है तो गर्भस्थापन भी नहीं होता। इसलिए बीज दृष्टि का कारण दोष है एक। दूसरा जेनेटिक है, उसके बारे में मैं नहीं बोलूंगा। जेनेटिक फैक्टर जो है परंपरा से आने वाले, उसके बारे में मैं नहीं बोलूंगा। लेकिन बीज दृष्टि व्यक्ति के जीवन के लाइफ स्टाइल से होती है, और जब ये होती है तब नाना पद्धति से अपने लक्षण व्यक्त करता है, और इस अवस्था में गर्भस्थापन नहीं होता, हुआ तो विकृत होता है या तो मरता है। इसलिए बीज दृष्टि का हेतु केवल आहार विहार यही है, विकृत आहार विहार यही है। विकृत आहार विहार करोगे बीज दृष्टि होगी और विकृत बालक जन्म लेगा। जैसे उदाहरण के तौर पर एक गुजरात का पेशेंट है, छोटा बच्चा 3 या 4 साल का होगा, तो उसको डॉक्टर ने कहा कि उसके आंतों की गति एक ठराविक मर्यादा के आगे नहीं है, इसलिए उसको मलप्रवृत्ति नहीं होगी। तो उसने जहां से मलबत्ती हो सकती वहां से रास्ता बना दिया। अब ये विकृति छोटे बच्चे में आई कैसे आई है? ये आई है माँ के आहार गलत पद्धति से लेने से। मातु आहार वशात चरक विमान छे, तो ये इससे उसकी कफज प्रकृति बनी, और ये कफज प्रकृति ने अवरोधात्मक संप्राप्ति की, इसलिए उसका आंतों की गति आगे आगे नहीं जाती। उसको ही चिकित्सा करें तो ये ठीक हो सकता है, लेकिन उतनी गंभीरता से चिकित्सा करने की किसी की इच्छा ही नहीं होती है। इसलिए जहां जहां गर्भ की विकृति दिखती है वहां दो ऑप्शन है, एक जेनेटिक है क्या, और दूसरा माँ के आहार विहार में कोई गलबदी है, विकृति हुई है क्या, इसका विचार आपको करना ही पड़ेगा। और वो दोषों के कारण होता है, और दोष आहार विहार के कारण ही बिगड़ते हैं। एक वाक्य है चर अष्टांगोदय का है, वो ऐसा है, प्रतिरोगमिति क्रुद्धा रोगाधिष्ठान गामिनी रसायनी प्रपद्य। प्रतिरोग में दोष श्रोतसों के मार्फत उस स्थान में पहुंचते हैं तो विकृति होती है, इस बात को नहीं भूलना है। जेनेटिक के प्रॉब्लम भिन्न है, उसका विचार आज नहीं करेंगे हम। आगे सर, जैसे कि पुरुष विरजनीय और पुरुष संग्रहणीय, ऐसे दो गण चरक में बताए हैं,
वहां मतलब क्लिनिकली हम लोग कैसे कहाँ पे क्या यूज करें? संग्रहणीय तो ठीक है कि जैसे एक एक मिनट, एक मिनट। हाँ बोलो, आप बोलो। हाँ सर, पुरुष संग्रहणीय और पुरुष विरेजनीय यानी कलर और देना और संग्रहित करना पुरुष को, तो क्लिनिकली उसका विचार कैसे करें या कहाँ पे कौन सा गण यूज करें? पुरुष संग्रहणीय, ये पुरुष को ग्रथित करने वाला या बांधने वाला है। यहाँ शिथिल बल आता है, द्रव आता है, वहां पर उसको संग्रहणीय करना है, उसको ग्रहित करना है। तो ये द्रव्य प्रायः उष्ण और कटु होते हैं, तिक्त कटु और उष्ण, ये इनके प्रयोग से ये संग्रहण होता है। एक दूसरा, ये दोषों के कारण होता है ग्रथित होना। दूसरा संग्रहण का अर्थ है जो केवल कषाय रस है, शुद्ध कषाय रस, ये अति द्रवमन प्रवृत्ति को रोकता है। तो जहां द्रवमन प्रवृत्ति है, बलवान है, वहां कषाय का प्रयोग करना, जहां मध्यम है वहां पर शुद्धि का प्रयोग करना, और जहां उससे भी कम है वहां पर आप तिक्त रस से कर सकते हो। तिक्त रस भी द्रव शोषक है, कटुरस भी द्रव शोषक है, कषाय रस भी द्रव शोषक है। तो बलवान अवस्था, रोगी क्षीण हो गया है, बहुत विरेचन बहुत हो रहे हैं, तो आप कषाय रस का प्रयोग करेंगे। और मध्यम है तो कटुरस का प्रयोग करेंगे, शुंठी त्रिकटु इसका प्रयोग करेंगे, और सामान्य है तो तिक्त रस का प्रयोग करेंगे, अतिविषा मुस्ता शुंठी इनका कॉम्बिनेशन करेंगे, बालचतुर बता देंगे। इस प्रकार ये हुआ पुरुष विरेजनीय। पुरुष विरेजनीय इसके टीकाकारों ने दो अर्थ दिए हैं। एक है उनमें प्राकृत वर्ण की उत्पत्ति करना, विकृत रंग वर्ण जाकर विरेजनीय। दूसरा, इनमें परिणमन करना, सामावस्था है तो निरामावस्था लाना, इस अर्थ में भी इसका प्रयोग होता है, तो यह है विरेजनीय। आगे सर एक प्रश्न ऐसा है कि टाइप 1 डायबिटीज की ट्रीटमेंट और इंसुलिन डिपेंडेंट और आयुर्वेद के तरीके से इसको हम लोग कैसे मैनेज कर सकते हैं और कैसे दोष दृश्य समूचना कैसे विचार करें? इसके लिए आपको चरक का कियंत शीर्षी अध्याय पढ़ना पड़ेगा। कियंत शीर्षी अध्याय में ये जो डायबिटीज है टाइप 2 इसका वर्णन किया है। तो इसकी संप्राप्ति में गुरु स्निग्ध मधुर शीत शासन अजीर्णासन इनके कारण श्रोतसों पे इन्हीं का दोषों का आवरण होता है। मांस बढ़ता है, रस बढ़ता है, रक्त बढ़ता है, मेद बढ़ता है, दोष बढ़ते हैं। अब दोष इनको दुष्ट करते हैं, रस रक्त मांस मेद को, और ये मेद वगैरह जो है इन सूक्ष्म स्रोतों पर एक झिल्ली बनाते हैं, आवरण बनाते हैं, इसके कारण इंसुलिन अंदर नहीं जा सकता। तो इसमें चिकित्सा में अब ये संप्राप्ति हुई, अब इसमें आपको ये करना है, गुरु स्निग्ध मधुर अम्ल लवण मांसाशन अजीर्णासन अध्यसन अत्यंबुपान ये सभी बंद करने हैं। जैसे मैंने हेतु की पद्धति बताई, उन हेतुओं को निकालना और उनको बंद करना, और व्यायाम नहीं करता है तो व्यायाम करने के लिए बोलना, उद्वर्तन नहीं करता है तो उद्वर्तन करने के लिए बोलना, और जो हेतु है सुंदर मांसाशन है, पहले अजीर्णाशन है, अजीर्णाशन है तो पहले आप हेतु बंद करके पाचन करेंगे, पाचन करने के बाद अग्नि दीपन करेंगे, और अग्नि दीपन के बाद फिर आप कम करने के लिए, जैसे मांसाशन है
तो उसके लिए आपको मौस गुरु स्निग्ध पिछले गुरु है, तो उसके लिए आपको बलवान तिक्त कटु कषाय का प्रयोग करना पड़ेगा, तीनों का करना पड़ेगा। यदि आप दही है तो अमल के प्रयोग करना पड़ेगा, यदि दुग्ध है तो त्रिकटु का प्रयोग करना पड़ेगा। इस प्रकार आपको इन सामान्य द्रव्यों का प्रयोग इतनी सब प्रक्रिया होने के बाद तुरंत नहीं, पहले हेतु त्याग, फिर दोष पाचन, फिर आवश्यक हो तो वमन, आवश्यक हो तो विरेचन, और उसके बाद अग्निदीप्ति, और अग्निदीप्ति के बाद आप कटुतिक्त कषाय द्रव्यों का सेवन करेंगे तो ये बंद हो जाता है। इंसुलिन बंद तो होता ही है, डायबिटीज की ट्रीटमेंट भी बंद करनी पड़ती है समय आने पर। सर इसी के साथ मूत्र व संस्थान को मतलब कैसे समझेंगे हम लोग इसमें? किस बात में, किस अर्थ में? डायबिटीज के साथ नहीं, आपको चिकित्सा दोषों की करनी है, आपको संस्थान की करनी ही नहीं है। अच्छा, आपको देश की चिकित्सा, दोष की चिकित्सा किसी भी व्याधि में, किसी ओडी में भी, स्तन्य दृष्टि में भी, गर्भाशय के सभी विकारों में, ग्रंथि हो, फाइब्रॉइड हो, ट्यूमर हो, सब में विचार दोषों का ही करना है, हेतु और दोषों का ही करना है, अन्य किसी का विचार नहीं करना है। सर एक शॉर्ट में आपको स्त्री रोगों में दोष चिकित्सा करो, रोग अपने आप शांत होता है, ये सुश्रुत का वचन है, ये चरक का वचन है, ये वाग्भट का वचन है। आप चिकित्सा दोषों की करो, रोग अपने आप शांत होते हैं। बोलो। तो स्त्री रोगों में हम लोग चिकित्सा जैसे तो दीपन पाचन से स्टार्ट करते हैं, बट आपका क्या विचार है कि हमें कैसे स्टार्ट करना है? कई बार ऐसे होता है कि हाँ, आप पहले मैंने कहा हेतु निकालने की पद्धत, वो बताई मैंने। हेतु किसको कहते हैं? विधि विपरीत आहार आचार विचार, दिनचर्या विपरीत, ऋतुचर्या ठीक सर। आपकी आवाज म्यूट हो गई है। तो पहले आपको हेतु निकालो, अजीर्ण है तो वो बंद करो, अध्यसन है तो बंद करो, विषमाशन है तो बंद करो, समशन है तो बंद करो, विरोधी आहार करते हैं तो बंद करो, विरुद्ध आहार, ये सब बंद करो। अन्य हेतु है जो आप दिनचर्या में आपको मिल रहे हैं कि जो विधि विरहित है, अत्यम उपान, महेश दुग्धपान, सुबह उठ के दूध पीना, रात में सोते समय दूध पीना, दिन भर पानी पीते रहना, दो दो लीटर, चार चार लीटर, ऐसे हेतु होते हैं। ये हेतु सब बंद करो। ये बंद करने के बाद पाचन करो, पाचन के बाद अग्निदीपन करो। अग्निदीपन की पद्धति सो आसान है, पाचन की पद्धति आसान है। पाचन के लिए पहले आप उपवास करो, एक दिन, डेढ़ दिन, आधा दिन, चार घंटे, छह घंटे, इतना करो। उस समय गुनगुना शुंठी का पानी पीते रहो, थोड़ा थोड़ा, एक 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 घूंट, वो पाचन हो गया। अब जब भूख लगेगी तब आप मूंग की दाल, पंचकोल डालकर, या हिंगवा स्टक डालकर, या जीरा काली चूर्ण डालकर पंचकोल का क्वाथ दो या तीन दिन देके देखो, उससे कोई त्रास कष्ट नहीं हो रहा तो सात दिन तक आप दे सकते हो। और वो जीर्ण होने के बाद यानी दोपहर में 12 या 1 बजे आप फुलका और मूंग की दाल दो, उसमें भी अदरक, मीट, नींबू, इसकी चटनी पहले खिलाओ और फिर ये करो। इस प्रकार अग्निदीप्त करो क्रमशः, पहले यवागु, फिर भोजन, ऐसे करते करते अग्निदीप्त करो। और जब भोजन खाएगा तब अनुपान के रूप में द्राक्षास हो या अन्य कोई आसव जो उपलब्ध है वो दे सकते हो। ये वो अग्निदीपन की प्रक्रिया हुई। तब इसके बाद आपको गर्भाशय के विकारों के हेतु के विपरीत यानी यदि वातज है तो स्निग्ध, तैल, बस्ती, अभ्यंग, ये करना है, अश्वगंधा, शतावरी, मक्खन, ये देना है। पैतिक है तो चंदन, सारिवा, मुस्ता, शतावरी, ये देना है। और कफज है तो त्रिकटु, त्रिफला, ये देना है। इस प्रकार आपको चिकित्सा करनी है। और इसके साथ साथ आप
फिर पाह्योपचार के परिषेक, कटु परिषेक, उष्ट परिषेक, तिक्त परिषेक, दुग्ध परिषेक, ये दोषों के हेतु के विपरीत आप करते रहोगे तो ये भी फाइब्रॉइड भी पूरा जाता है, सभी जाते हैं, पीसीओडी भी जाता है, फाइब्रॉइड भी जाता है, चोक्रोसिस भी जाता है, सब जाते हैं। सर आप पीसीओडी में कैसे विचार करते हैं, कैसे विचार करना चाहिए? यही करना है, कुछ नहीं करना है, हमें पीसीओडी का विचार करना नहीं है, हमें दोषों का करना है, हेतु का करना है, और हेतु के विपरीत रसों का करना है। हेतु के विपरीत रस कटु तिक्त कषाय, तिक्त मधुर तिक्त कषाय, आप कटु मधुर आम्लवान जो दोषों के हैं वैसे आप उनमें से जो दोष बलवान है उसकी चिकित्सा पहले करनी है। हम व्याधि का विचार करते नहीं, हम दोषों का करते हैं। बिल्कुल सर। और स्थानिक उपचार करना है, परिषेक, श्वेत, उद्वर्तन, विमर्दन, ये करना ही है। सर इसमें जैसे कई बार ऐसे देखा जाता है कि एक मिडल एज में या 40 के एज में भी कई बार महिलाओं में मुहासे आ जाते हैं, इसके व्रण बन जाते हैं, तो इसके लिए कैसे विचार किया जाए? व्रण रोपण के दृष्टिकोण से क्या बन जाता है? मुख दूषिका, पिंपल्स और उसके निशान, मार्क्स रह जाते हैं। हाँ, मैंने शुरू में कहा कि हम चिकित्सा व्याधि की नहीं करते, लक्षणों की नहीं करते, हम चिकित्सा दोषों की करते हैं। दोषों की चिकित्सा की एक ही पद्धति है, हेतु बंद करो, अग्नि पाचन करो, अग्नि दीपन करो और हेतु के विपरीत द्रव्य दो, बस दूसरा कोई सिद्धांत ही नहीं है। हम इसके लिए अलग द्रव्य, उसके लिए अलग द्रव्य विचार ही नहीं करते, हम दोषों का विचार। आयुर्वेद ये कहता है कि दोष चिकित्सा करो, व्याधि अपने आप ठीक होता है, और नहीं होता है तब फिर शोथग्न वर्ण कर ये देते रहो, पहले ये करो, इससे आधा काम हो जाता आपका। सर आजकल मेरे पास कई उदाहरण है लेकिन समय नहीं है इसलिए नहीं दे रहा हूँ। आगे बोलो। अच्छा। सर आजकल पीसीओडी के साथ साथ चेहरे पर बाल आना, हिर्सुटिज्म की भी काफी केसेस होते हैं, तो उसमें कैसे हम विचार करें दोष? विचार यही करना है, हेतु क्या है, बस हेतु क्या है, दोष कौन से बड़े हैं, बस इसका विचार करना है। और दूष्य का विचार करना है, वो कैसे करोगे? तो उसके जीवन काल में साल भर में कहीं ना कहीं रस दुष्टि के, कहीं ना कहीं रक्त दुष्टि के, कहीं ना कहीं मांस दुष्टि के, कहीं ना कहीं मेद दुष्टि के लक्षण दिखने लगते हैं। तो वहां से पकड़ना है कि इसमें रक्त रस दुष्टि हो रही थी। पहली बार मैं जब मेरे पास आया था पेशेंट, तो उसका अरुचि वायरस था, उद्गार बाहुल्य था, श्रोतोरोध था, विबंध था, तो ये रस दुष्टि का पेशेंट है। अब ये रस दुष्टि कंटिन्यू रही और ये उसको पीछे इसको अभी कुछ दाग आ गए हैं। तो इस प्रकार जो धातु प्रदोषज व्याधि है, ये ऐसे व्याधियों के रस दुष्टि के पूर्व रूप है, ये रक्त दुष्टि के पूर्व रूप है, ये मांस दुष्टि के पूर्व रूप होते हैं। जैसे प्रमेह में प्रमेह के पूर्व रूप, ये मेदोमा के पूर्व रूप है। इस प्रकार दोष कौन सा चल रहा है और दुष्य कौन सा दुष्ट हो रहा है, ये देखकर आप उसके विपरीत चिकित्सा, दोषों के विपरीत चिकित्सा करेंगे। दोषों के विपरीत चिकित्सा करते समय दुष्य यदि समान है तो काम आसान है, और दूष्य यदि विपरीत है तो काम और आसान हो, जल्दी ठीक हो जाएगा। इतना आपको देखना पड़ता है कि उनकी दृष्टि पुनः न हो। सर आजकल एक मार्केटिंग के रूप में गर्भाशय शोधन या डिटॉक्सिफिकेशन के रूप में चल रहा है, तो आपका क्या विचार है कि गर्भाशय शोधन यानी एक्चुअली क्या है और कहां पे यूज? गर्भाशय शोधन करते हैं ना, क्या करते हैं? गर्भाशय शोधन करते हैं, क्या करते हैं? कुछ बस्ती दिया जाता है, कभी विरेचन देते हैं कुछ। हाँ, तो बस्ती विरेचन देना, वमन देना, ये तो करना ही है हेतु के आधार पर। और गर्भाशय में आपको कहीं श्रोतोरोध दिखता है,
और इस चिकित्सा के जाता नहीं है, इस चिकित्सा से जाना ये 15 दिन में संभव है। इसके बाद भी रुकता है तो आप गर्भाशय के लिए आप उत्तर वस्ती ले सकते हो। सर आजकल लाइक लीन दोष के बारे में थोड़ा बताएंगे, जस आपके पास अभी समय कम है। लीन दोष, लीन दोष के दो अर्थ है। एक कम से कम दोष प्रकृत है लेकिन मात्रा बहुत कम है, उसको लीन दोष कहते हैं। दूसरा लीन दोष यह होता है कि वो धातु में जा चुका है लेकिन वहां से निकलता नहीं है, उसको भी लीन दोष कहते हैं। तो उसको निकालने के लिए आपको स्नेहन स्वेदन करके निकालना पड़ता है। ये लीन दोष की कल्पना है अत्यल्प। और दूसरा धातुओं में, धातुओं को दुष्ट करके धातुओं में दुष्टि शेष है, उसका नाम लीन दोष है। सर एक आखिरी सवाल पूछती हूँ कि क्षयात्मक संप्राप्ति में हेतु का कैसे विचार करें? क्षयात्मक संप्राप्ति से अर्थ क्या है आपका, क्या चाहती है आप? धातु क्षय जन्य संप्राप्ति में क्षयात्मक का अर्थ दो प्रकार का है, एक दोषक क्षय और दूसरा धातु क्षय। तो धातु क्षय के दो संप्राप्ति है, एक अल्पाशन अतिव्यायाम रुक्षाशन, ये एक है। दूसरा मंदाग्नि के कारण होने वाला श्रोतरोत, ये भी धातु क्षय करता है। ये केवल मेद बढ़ाता है और बाकी सब धातु का क्षय करता है, इसलिए दोषक क्षय और धातु क्षय ये दोनों के कारण क्या है, हेतु क्या है, हेतु क्या है, आधार पर आपको निर्णय करना है। यदि अजीर्ण भोजन है और रसक क्षय है तो चिकित्सा आपको हेतु बंद करना है, अजीर्ण के पाचन करना है और श्रोतरोग दूर करना है आशा वरिष्ठ लेकर इस प्रकार। और दोषक क्षय होकर कुछ होता है तो उसमें आपको दोष की वृद्धि करनी पड़ती है। थैंक यू सर, आपका मैं आभार व्यक्त करती हूँ। आज करीब करीब 50 मिनट तक हमारा ये संवाद चला यहाँ पर सर के साथ और बड़ा अच्छा लगा सर। बट जैसे समय को देखते हुए हम आज यहाँ पर रुकते हैं और फिर कभी आपसे मैं जरूर सुनना चाहूंगी, लाइक आवरण कल्पना को लेकर और वात वैधि को लेकर जरूर, और खास करके जैसे कि स्त्रियों में किस प्रकार से विचार करें इस पर हम लोग एक बार फिर से जरूर आपसे सुनना चाहेंगे। आज के सत्र में यहाँ पर हम लोग रुकते हैं सर, आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। रिकॉर्ड किया है आपने? हाँ सर, ये यूट्यूब पर जाएगा, मैं आपको लिंक शेयर कर देती हूँ। हाँ, क्योंकि ये कोई नहीं बताएगा। ग्रुप पे लिंक आएगी क्या मैम? यस मैम, ग्रुप पे लिंक आएगी। हाँ हाँ, यस सर। एक क्वेश्चन पूछना था सर। पूछो। हाँ सर, हम उत्तर बस्ती में जो हम ग्रोथ सेल जो यूज करते हैं ना सर, उस टाइम तो हम पूरा असेप्टिक कंडीशन वहाँ पे बनाते हैं, बट ग्रुप तेल बहुत दिन से रखे हैं, उसको हम सिर्फ गुनगुना करते हैं। तो मतलब अभी तक तो कोई केस दिखा नहीं, बट जैसे हम देखते हैं ना कि ऑयल रखा है वो कांटेक्ट में आ गया एयर से, तो उसको मतलब वो सेप्टिक हो गया। लेकिन वो तो हम यूज करते हैं ना उसे, तो वहां पर तो कुछ हानि भी नहीं होती है केस से? इसमें मेरा कोई अनुभव नहीं है। Okay, sir, okay. ये हाँ, ये आप किसी स्त्री रोग तज्ञ को ही पूछ सकते हो। सभी वैद्यों का भी आभार व्यक्त करती हूँ और सभी को बहुत बहुत बधाई शिक्षक दी। नमस्कार।